नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है देसी माफी में। मैं हूँ दीपाक्षी शर्मा। इस वक्त वेब सीरीज का बहुत पाला जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन एक वेब सीरीज ने सभी के दिमाग पे अपना राज किया हुआ है, वो है आहट। पहला जो पार्ट था वो काफी धमाकेदार रहा, दूसरे पार्ट का जब ट्रेलर आया तो लोग जो है वो एक्साइटेड हो गए, कई तरह के कमेंट्स करने लगे कि कितना अच्छा रोल जो है उनके सिंह जो है वो निभा रहे हैं। तो आज चलिए उन्हीं से बात करते हैं उनके रोल के बारे में, इस नए पार्ट के बारे में कि उनका पहले सीजन के मुकाबले इस बार के सीजन में रोल कैसे नया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है देसी मार्टी में। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, एक रुद्र प्रताप श्रीवास्तव का किरदार निभाना जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक जो नाम ही है रुद्र, उसके अंदर एंग्रीपन और जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर पूरा वैसे ही रखना है, किसी भी मूवमेंट पे जो है वो सीरियसनेस जानी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे ट्रेलर में जो है आप सीरियसनेस के साथ कॉमेडी का तड़का भी कहीं ना कहीं लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले सीजन के मुकाबले इस सीजन में आपका रोल किस हिसाब से अलग है, कि दूसरा पार्ट है तो नई कहानी है, तो क्या आपके रोल में भी कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी? हाँ बिल्कुल देखने को मिलेगी। जैसे आप किसी को 2 साल से ज्यादा अगर जानते हैं तो पहले 2 साल में आपको एक दो चीजें मालूम होती हैं, 10 साल के बाद आप और उनके बारे में और गहरी नॉलेज हो जाती है। तो वैसे ही आपके दर्शकों को जो पहले सीजन में रुद्र के बारे में पता था, आदमी तो वही है लेकिन उसके बारे में कुछ और अब पता चलने वाला है, और बहुत बहुत सारे मजेदार ट्विस्ट्स हैं और एक्शन भी डबल है। तो हाँ, मेहनत तो इस सीजन में बहुत ज्यादा की। जी। तो सर इस पार्ट में मतलब पहला पार्ट है वो काफी ज्यादा लोगों को बहुत पसंद आया, और इसको लेकर जो है वो काफी लोगों ने कमेंट किया कि कब इसका दूसरा पार्ट आने वाला है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आए वो। तो आपको भी लगता है कि पहले पार्ट की तरह जो है इस बार भी इस सीरीज को उतना ही रिस्पॉन्स मिलने वाला है, उससे कई ज्यादा मिले? मतलब उम्मीद तो वही रहती है लेकिन उसके बारे में मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, मेरा काम एक्टिंग के टाइम खत्म हो जाता है, बाकी दर्शकों को पसंद आए ना पसंद आए वो उनके ऊपर, मुझे तो पसंद आ रहा है और हम लोग ने बहुत मेहनत की है, बाकी उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। सर आपके हिसाब से आपने अपना बेस्ट दिया है, वो कहीं ना कहीं लोगों को टच तो जरूर करेगा, आपके कहने का मतलब ये? हमेशा बेस्ट तो हमेशा देते हैं, वो तो बिना बेस्ट दिए काम थोड़ी छोड़ सकते, फिर दूसरा काम शायद ना मिले। लेकिन आपके रोल को जो है वो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हुए नजर आए, इवन जब मैंने भी बताया कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ तो सब कहते अच्छा वो उनके एक्ट वो हमेशा सीरियस क्यों रहते हैं, इसके बारे में जरूर पूछना, तो आपने उसका जवाब दे दिया, क्योंकि जब एक्टिंग के अंदर किसी रोल को निभा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन रियल लाइफ में भी पड़ता है। नहीं मैडम, मेरा रिफ्लेक्शन रोल पे लगता है। रोल नकली है, मैं असली हूँ, तो जो किरदार मैं बनाता हूँ, किरदार मुझे नहीं बनाता। आप के जो सीरीज उसमें एक्शन ड्रामा सीरीज में आपको काफी पसंद किया गया है, लेकिन फैंस जो आपको आने वाले टाइम में कोई और नए किरदार में एक नए प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये मेरी ताकत में नहीं है, मैं जहाँ कास्ट होता हूँ वहां जाता हूँ, तो अगर फैंस को कुछ और देखना चाहते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन सब के ऊपर है कि मैं कहाँ कैसा किरदार निभाऊं, तो कोशिश तो करूंगा। सर आपके पास जब रुद्र प्रताप श्रीवास्तव का किरदार निभाने के लिए आया था तो उस वक्त आपको इस रोल का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा? मतलब एक कहते हैं ना कि जब आप कहानी पढ़ रहे होते हैं उसमें एक रोल की एक चीज आपको काफी ज्यादा पसंद आ जाती है जिसकी वजह से आप उसे हाँ कर देते हैं करने के लिए, तो ऐसे आपके रोल हमेशा वो किरदार की इमोशनल गहराई कि उसके साथ कितनी बुरी बीत रही है, तो जितना ड्रामा ज्यादा है उसकी असली जिंदगी में उतना पेन उतना दुख उतना उतनी कोशिश, तो किरदार गहरा हो जाता है, वो भारी हो जाता है। तो जितना भारी रुद्र का किरदार था जब पहली बार मैंने सुना कि उसके साथ क्या क्या बीती है, उसको कहाँ जिंदगी में अब पहुंच गया है, किस मजबूरी तक पहुंच गया है, तो ये सब चीजें मुझे इंटरेस्ट करती हैं और फिर मैं कोशिश करता हूँ उसको निभाने की, लेकिन इमोशनल डेप्थ अंदरूनी गहराई। सर अपहरण 2 के बाद अब फैंस को ये एक्साइटमेंट है कि इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब थर्ड पार्ट इसके कोई चांस है या गुड न्यूज फैंस को मिल सकती है कि इसका दूसरा पार्ट मतलब तीसरा पार्ट आ सकता है? हाँ
एक बार फिर ये मेरे प्रिंस लेवल के ऊपर है, बनाना चाहिए, अगर बनाएंगे तो हम आ जाएंगे, लेकिन वो प्रोड्यूसर और सब बहुत, मैं तो बहुत खुश हूँ कि दर्शकों को एक और सीजन चाहिए, तो हम लोग तो बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन उसको वक्त लगता है लिखने में, शूट करने में, आजकल लोग बहुत सब चीज जल्द जल्द में जाता है, एक सीजन का फिलहाल सस्पेंस ही रहने दिया जाए कि इसका तीसरा पार्ट आएगा या नहीं, उसका तो झलक फैंस को दिख जाएगी। ये सस्पेंस जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ये सच बात है, उसको पहले लिखना पड़ता है, फिर उसको बनाना पड़ता है, तो जब तैयार होगा तो लोगों को बता देंगे, उसके पहले बात करने की थोड़ा अजीब लगता है। सर, इस वेब सीरीज के अंदर आप कई नए कलाकारों के साथ काम करते नजर आए हैं, तो सबसे अच्छा आपको काम किसका लगा और किसके साथ आप जो है वो कम्फर्टेबल होके अपनी एक्टिंग को कर पाए? करियर में या सिर्फ इस वेब सीरीज में? इस वेब सीरीज में। इस वेब सीरीज में कमाल की कास्ट है और मैं जनरली मोस्ट लोगों के साथ कंफर्टेबल ही हूँ, क्योंकि वो को स्टार्स कौन होंगे, को एक्टर्स क्या होंगे, वो मेरे आई कांट कंट्रोल दैट। मैं इतने सालों से अब सीख गया हूँ कि सब साथ मेरी इजी चलती है, क्योंकि मेरी एक्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो जनरली मैं सबके साथ अच्छे से काम करता हूँ। और इस सीजन, क्योंकि हम लोग ने एक सीजन पहले कर चुके हैं, तो दोस्ती थोड़ी गहरी थी, एक दूसरे के साथ काम करने के ईज था, एक मैनर था, एक रिदम था, जो हम लोग ने पहले से ही बना के रखा है, तो वो आसान था। तो इस सीरीज में तो सब लोग। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे अपने फैंस को? जब तक ट्रेलर तैयार नहीं रहता मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कहाँ निकलेगा, जब तैयार है, जब अनाउंसमेंट होता है तभी बात करता हूँ, तब तक आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ। ये बात तो बिल्कुल सही है, मतलब अभी तक ये जो है वो जल्दी फैंस को इसके बारे में पता लग जाएगा जैसे ही इसका ट्रेलर बनना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया और प्लेजर, थैंक यू, शुक्रिया। वैसे ये पहला पार्ट हिट रहा है, वैसे सेकंड पार्ट हिट रहेगा, एंड थैंक यू सो मच सर देसी मार्टी के साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू।